जॉब करना आसान था या आज जॉब करना आसान? 20 साल पहले जॉब करना आसान था क्योंकि गवर्नमेंट इतना अलर्ट नहीं था, है ना, इतना टर्म्स कंडीशन नहीं था, इतना राजनीतिक प्रेशर नहीं था। आज धीरे धीरे हर चीज टफ हो रहा है। 20 साल पहले एग्रीकल्चर का काम अच्छा था, आज वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। 20 साल पहले खर्चे कम थे, आज खर्चे बढ़ गए। तो समय के अनुसार लाइफ तो टफ हो रही है, अगर आप उसके साथ साथ चेंज नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। मैं अपना परिवार के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। मेरे पिताजी के पिताजी मतलब दादा के पापा अकेले थे और उनके पास 100 बीघा ना बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, इतना जमीन थी। तो मेरे जो दादा थे उनके 3 लड़के हो गए। तो ए जो 100 जमीन था, अब इसका क्या होगा? डिवाइडेड बाय थ्री 33 हमारे पापा को आ गया, राइट। अभी हमारे पापा के हम 2 है, मेरा बड़ा भैया है, एक मैं हूं। तो ये 33 का क्या हो गया? 16.5 and 16.5, राइट। और एक चाचा के 3 है, तो उनका 11.11 हो गया, राइट। अभी हमारा भी डाउनलाइन तैयार है, मेरे 3 बच्चे हैं। अभी ये जो 16.5 आया है, इस ये क्या होगा? ये 3 भाग में जाएगा। कितना कितना हो गया? 5, 5, 5। ऐसा इधर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अभी मेरा जो लड़का है उसका भी शादी होगा, उसका भी बच्चा होगा। ये जमीन कितना रह जाएगा? 0 हो जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में अगर ऐसा डाउनलाइन तैयार होता है तो इनकम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये बढ़ता रहेगा। यही एक बिजनेस है जो समय के साथ बढ़ रहा है। जो चैलेंजेस पहले थे वो चैलेंजेस आज नहीं है, और जो चैलेंजेस आज है वो आगे नहीं रहेंगे। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। और ये पता है ये क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया का 2 बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। सर ने बताया 133 करोड़, 133 करोड़ पॉपुलेशन। कितना साल में 133 करोड़ हुआ? हजारों साल। कितना साल लगा 133 करोड़ होने में? हजारों साल। लेकिन 133 से 266 करोड़ होने में कितना साल लगेगा? क्या हजारों साल लगेंगे? नहीं लगेंगे साहब। आने वाले 100 साल के अंदर ये 266 करोड़ हो जाएगा। कितना टफ टाइम हो जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर आप आरसीएम में है तो आपका इनकम भी बढ़ रहा है, और अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है या जॉब में है तो पॉपुलेशन के साथ आपकी इनकम घटने वाली है। तो आरसीएम बिजनेस करना है आपको? Yes. सर बता रहे थे कि यहाँ पे टाइम मनी सिक्योरिटी मिलता है। दुनिया में आप कोई काम कीजिए, दुनिया में कोई भी काम आप करेंगे तो कैसा चलने वाला है? अब यहां पर देखिए पैसे का और काम का रेशियो क्या है, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। काम कम पैसा कम। थोड़ा सा आप ओवर टाइम करेंगे, काम ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा। थोड़ा खेती में और ज्यादा काम करेंगे, इनकम और बढ़ जाएगा। आप दुकान थोड़ा ज्यादा खोलेंगे, इनकम और बढ़ जाएगा। अभी आपका उम्र हो गया 40 साल, पूरा आप पावर में है, आप बहुत काम करेंगे, आपका इनकम बहुत आएगा। लेकिन 50 ईयर के बाद में बॉडी थोड़ा लूज होगा, काम कम होगा, इनकम बढ़ जाएगा? नो, इनकम कम होगा। फिर काम कम होगा, इनकम कम होगा। फिर आप 70 ईयर हो गए, काम कम, इनकम कम। आप 80 ईयर हो गए, काम और कम, इनकम और कम। आप 100 ईयर हो गए, काम इनकम मतलब काम खत्म, इनकम इनकम भी खत्म, आदमी भी खत्म। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? Yes. फिर इसके बाद क्या होगा? ए अपने बेटे को कंप्लीट करेगा, बोले बेटा ये मेरा काम, तेरे को संभालने का, खेती है, दुकान, कुछ भी। वो बेटा क्या करेगा? जीरो से स्टार्ट करेगा। जीरो से काम कम, इनकम कम, काम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, काम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, काम और बढ़ गया, इनकम और बढ़ गया। अब बेटा का भी उम्र कम हो गया, काम कम, इनकम कम, काम कम, इनकम कम, काम कम, इनकम कम, काम खत्म, इनकम।
अब वो बेटा क्या करेगा, वो अपने पोते को तैयार करेगा ऐसा, फिर वो भी जीरो से स्टार्ट करेगा, एक दिन वो भी खत्म होगा, काम खत्म हो जाएगा, फिर वो नीचे तैयार करेगा और यही चलता रहेगा, यही चल रहा है। बात कुछ क्लियर हो रहा है क्या? यस। लेकिन आरसीएम बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, आरसीएम बिजनेस कुछ अलग तरीके से चलता है। पता आरसीएम कैसे चलता है? आरसीएम का स्ट्रक्चर अलग है, एक तरफ काम है, एक तरफ पैसा है। पूरे महीने काम किया, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा महीना काम किया, पूरा ताकत लगाया, खूब लोगों से बात किया, पूरा महीना काम करने के बाद बिजनेस क्लोज हुआ 4000, बिजनेस वॉल्यूम इनकम आया 400 रुपया। पूरा महीना काम करने के बाद आदमी का दिमाग खराब, ये कोई बिजनेस है? इतना काम इतना ज्यादा तो मेरा पेट्रोल चला गया। कितना लोगों को मैंने प्लान दिखाया, कितना लोगों को पिकअप सेंटर लेके गया, कितना लोगों को मीटिंग बुलाया, कुछ नहीं आया। फिर वो बिजनेस को इधर ही छोड़ देता है। 97% लोग बिजनेस को यहां क्विट कर देते हैं पहले चेक के बाद में, 97%। लेकिन कुछ लोग जो विजन देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा उसको समझते हैं, धीरे धीरे वो व्यक्ति का डाउनलाइन तैयार होता है, वो व्यक्ति का धीरे धीरे टीम तैयार होता है, टीम काम करता है, उसका काम कम इनकम थोड़ा बढ़ गया, फिर काम थोड़ा कम हो गया इनकम बढ़ गया, फिर काम कम हो गया इनकम बढ़ गया, फिर रॉयल्टी आ गई, आपका टीम बढ़ गया, काम कम हो गया इनकम बढ़ गया, फिर आपका काम कम हो गया इनकम बढ़ गया, फिर आपका काम कम हो गया इनकम बढ़ गया, आप बूढ़े हो गए, आपका काम खत्म हो गया लेकिन इनकम बढ़ गया। एक काम आपने अपने, आपका 100 साल पूरा हो गया, आपने अपने बेटे को, आपने अपना जो जो भी बेटा था उसको आपने संभलाया, काम खत्म है, अब केवल इनकम ही बढ़ेगा, इनकम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपके बेटे को कभी भी जीरो से शुरू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां आप बिजनेस को छोड़ोगे वहीं से आपका बेटा संभालेगा, क्योंकि यहां पे आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें एक कॉलम होता है स्पोस। एक बिजनेस है जिसमें एक बार मेहनत करने के बाद बार बार मेहनत नहीं करना पड़ता। एक तरफ होता है आपका चावल का खेती, राइस, और एक तरफ होता है मैंगो। एक राइस को बार बार जमीन में बोना पड़ता है, बार बार काटना पड़ता है, लेकिन मैंगो को एक बार बोना पड़ता है। बोने वाला भी इसका फल खाता है, और उसके बाद उसका बेटा भी फल खाता है, उसके बेटे का बेटा फल खाता है, उसके बेटे का बेटा ही फल खाता है। आपको क्या बोना है, राइस बोना है कि मैंगो बोना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्या बोना चाहिए? मैंगो, ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका फायदा ले सके। और ये जो आरसीएम बिजनेस है ये मैंगो का खेती करने जैसा है। मैंगो का खेती करेंगे, इसमें आज आपने जमीन में वो मैंगो का बीज डाला, क्या कल मैंगो आ जाएगा? नहीं। कुछ साल आपको वेट करना होगा, कुछ साल आपको परवरिश करना होगा, कुछ साल उसको खाद और पानी देना होगा, कुछ साल उसको जानवर से बचाना होगा, कुछ साल उसको लोगों से बचाना होगा, तब जाके इसके 2 पत्ती निकलेगी, फिर 2 से 4 पत्ती निकलेगी, 4 से 8 पत्ती निकलेगी, 8 से और बड़ा पेड़ बनके तैयार हो जाएगा। वो जड़े उसका बहुत नीचे डेप्थ में चला जाएगा। जब उसका जड़े डेप्थ में चल जाएगा तो आपको फिर पानी देने का जरूरत नहीं है, लेकिन फल लगेगा, फल लगेगा तो वो आपको मिलने वाला है। तो नेटवर्किंग ऐसा ही बिजनेस है। मेरा एक फ्रेंड है राजस्थान में, मुकुट बिहारी राठौड़, व्हाट्सएप पे उसका मैंने सूचना डाला था। 16 साल पहले वो बंदा मेरे साथ बिजनेस में आया, 16 ईयर पहले जब मैं आया, मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा रॉयल्टी भी नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उस लड़के को ज्वाइन करवाया। उसका जूस सेंटर का दुकान था, जूस सेंटर मतलब समझ गया था, जूस सेंटर का दुकान था उसका, और जूस सेंटर के दुकान के साथ साथ उसने आरसीएम बिजनेस को रन किया। वो अकेला जुड़ा इस बिजनेस में, खुद जुड़ा, उसने 2 लोगों को ज्वाइन कराया जूस सेंटर का दुकान के साथ में, फिर वो 2 लोगों ने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, वो 4 लोगों ने 8 लोगों को ज्वाइन कराया, धीरे धीरे उसका टीम बनके तैयार हो गया, खूब बड़ा टीम हो गया उसका, ये खूब लोग ज्वाइन हो गए। 2 सितंबर 2021 नाइट में उसको सांप ने काट लिया, कोबरा ने उसको बाइट कर लिया, और 3 तारीख को सुबह उसका 6 बजे डेथ हो गया। 5 तो लड़की है उसके, 1 तो लड़का है। अब वो तो चला गया,
लेकिन उसका जो ये डाउनलाइन है, ये डाउनलाइन आरसीएम का प्रोडक्ट आज भी परचेस कर रहा है, ये आज भी परचेस कर रहा है। तो ये जो कोड था, ये नंबर था, ये उसकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया सीमा राठौड़ के नाम। पिछले महीने उसका वाइफ का एक महीने का चेक था 40,000 रुपीज मंथली, ये उसके वाइफ को ट्रांसफर हुआ और हर महीने होगा। कब तक होगा? जब तक ये लोग नमक खाएंगे, ये लोग हल्दी मिर्ची धनिया काम में लेंगे, तब तक यहां पैसा आता रहेगा। यदि वो जूस सेंटर चलाता और वो स्नेक बाइट से एक्सपायर हो जाता, क्या उसको पैसा आता? क्या नहीं आता? आप यदि अपना बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, आप अपना फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप आरसीएम बिजनेस में अच्छा सा नेटवर्क बनाइए। ये शुरू में थोड़ा सा चैलेंज है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मैंने अकेले पाल सर को ज्वाइन करवाया था, आज कहां से कहां डाउनलाइन तैयार हो गया, कल आपका भी डाउनलाइन तैयार होगा। और कैसे पैसा आएगा, ये मैजिक है, इस मैजिक को समझिए। ये आप है, ये है मोरंग, ये आप मोरंग मोरंग हार्ट के आप रहने वाले हैं। मान लीजिए आपका एक मामा रहता है तेजपुर में। मामा मतलब क्या हो गया सर? मामा ही होता है। आपका मामा रहता है तेजपुर में, हाँ। मामा का एक और फ्रेंड है, वो रहता है जोराहट में। तो ए मामा ने उसके फ्रेंड को जोराहट में ज्वाइन करा दिया। ए जोराहट वाला व्यक्ति जोराहट से 5,000 बीवी का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम, इसका फायदा जोराहट वाले को भी मिलता है और तेजपुर वाले को भी मिलता है और ये मोरंग वाले को भी मिलता है। यस सर, यही मैजिक है इस बिजनेस का। मान लीजिए आपका जो साला है ना, वो शिव सागर में है। साला मतलब क्या हो गया सर? खुलल, 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 जो भी वर्ड है। मान लीजिए आपका जो खुलल है वो है शिव सागर में। आपने अपने खुलल को ज्वाइन करवाया और ये भाई ने 5,000 बीवी का सामान खुलल से, शिव सागर से उस खुलल ने खरीदा, तो उसका बेनिफिट इसको भी मिल गया और उसका बेनिफिट मोरंग में आपको भी आ गया, राइट। अब ये शिव सागर वाला जो खुलल है, इसका खुलल है गुवाहाटी में, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एक गुवाहाटी के बाजार से 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो ए साले को बेनिफिट मिल गया 10,000 का, शिव सागर वाले का 15,000 बीवी का बिजनेस हो गया और ये 15,000 आपको अटैच हो गया। अभी गुवाहाटी वाले खुलल का भी आगे खुलल होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। ए रंगिया में इसका ससुराल है, उधर इसका साला है। रंगिया वाले का उधर वापस सरभोग साला हो गया, वो सरभोग वाले का बंगाई गांव हो गया, बंगाई वाले का एनजीपी हो गया। एनजीपी वाला जो साला है वो चाय पीता बोलता वाह मजा आ गया, तो मजा सीधा रंगिया गुवाहाटी शिव सागर होता हुआ कहां जाएगा? दिस इज द मैजिक, ये मैजिक है। आज मेरा जो टीम है वो यहां है, आपके पास यहां पे। आप चाय पीते हैं बोलते हैं मजा आ गया, मजा सीधा राजस्थान में आता है। आपको नहीं, हमको नहीं आता। आपको तो आता ही है, बीच में आप ही है ना, इधर बीच में आप ही है। कल आपका भी ऐसा ही टीम बनेगा, क्योंकि यूजर तो सबको होना ना। ये नई नई टेक्निक का नया बिजनेस है। हिंदुस्तान में सब लोगों को नमक चाहिए, सब लोगों को हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, बाथ सोप चाहिए, पेस्ट चाहिए, सबको चाहिए। बस उनको समझाना है कि ऐसे डाउनलाइन तैयार करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा डायरेक्ट सेलिंग वाले कमाएंगे। अमेरिका आज वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज है, बिकॉज वहां पे डायरेक्ट सेलिंग लास्ट 75 ईयर से रन में है, 75 साल से। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अभी जो पहले राष्ट्रपति थे आपके ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब पुराने नेटवर्कर है। इसलिए आज ये मिलेनियम है, बड़े करोड़पति लोग हैं। आज आप नेटवर्क बनाएंगे तो आपको भी बड़ा पैसा आने वाला है। क्या नेटवर्क बनाने को तैयार है? अच्छा, कितने लोगों को भी आरसीएम से कुछ भी पैसा आया है? कुछ भी, थोड़ा बहुत, ज्यादा, कुछ भी, कोई बात नहीं। देखिए 700 कंपनी ने आपको दिया है कि आपसे लिया है? कंपनी ने दिया ना, तो थोड़ा जोर से बोलिए ना, 700 आया है। ऐसा कितना पैसा है? 700। एक बार जोरदार हाथ ताली मैडम। कितना पैसा आया? 20,000 रुपीज। बाप रे, जोरदार वाली ताली। आपको कितना आया?
4000 आया आपको भी, वेरी गुड। आपको कितना आया दीदी? 8000। कितना बताया? 30000। टोटल नहीं सर, ये सितंबर का बोला, सितंबर महीने का टोटल तो ज्यादा हो गया। जोरदार वाली तालियां दे दीजिए। कितना पैसा आया? बहुत पैसा आया। ये कितना पैसा है? 3000। जोरदार तालियां दीदी के लिए। कितना पैसा आया दीदी? 2000। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां दीजिए। बोलिए मैडम कितना पैसा है? 70000। क्या 70000? जोरदार वाली तालियां दीदी के लिए। कितना पैसा है? 2000। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सर के लिए भी हाथ ताली मारिए। यस सर। 200। वेरी गुड। एक बार सर के लिए सबसे जोरदार वाली ताली, आपका भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यस 1500। वेरी गुड। जोरदार तालियां दीदी के लिए भी। 1500। वेरी गुड। देखिए स्टार्टिंग हो चुकी है, एक बार बैठिए आप और वापस हम मिलेंगे। पाल सर से तो स्पेशली मिलने वाले हैं, इज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेमिनार, हम वापस मिलने वाले हैं। इसका मतलब पैसा आता है, केवल स्टेटमेंट में दिखता है कि अकाउंट में भी आता है? एटीएम से आता है ना पैसा? ये स्टार्टिंग है, आप पहला 500 और अभी 30000। जब 500 से 30000 आ सकता है तो 30000 से 300000 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर। आ सकता है, ये मैजिक है, ये इतना पैसा दे सकता है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। अभी हम पाल सर से मिलेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताऊंगा। बैठिए। तो बहुत पैसा है इस बिजनेस में, जैसे जैसे टीम बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा। अब टीम कैसे बढ़ेगा? बहुत सिंपल तरीका है। आप हैं, एक महीने में आपने अपने आप को तैयार किया, खुद को तैयार किया एक महीने में। अगले महीने में आपने अपने जैसे दो लोगों को तैयार किया कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है। तीसरे महीने में ये चार लोग तैयार हो गए। पांच, चौथे महीने में 8 लोग, पांचवें महीने में 16, छठे महीने में 32, सेवंथ मंथ 64, एट मंथ 128, नाइन मंथ 256, टेन मंथ 500, ट्वेल्व, इलेवन मंथ 1024 एंड 12 मंथ 2048। ये न्यू महीने का न्यू कमर्शियल 12th महीने का एक टोटल, अगर इन सबको लोगों को बांटते हैं तो आपका 4000 लोगों का डाउनलाइन होता है एक साल में। एक साल में यदि एक व्यक्ति 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी परचेज करे तो आपका 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर दोनों लाइनों में 20-20 लाख होता है तो आप एमरल्ड बनते हैं। और यहाँ पे एक महीने का आपका इनकम होता है 1,20,000 रुपया महीना। लोग बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी और ये पैसा आ रहा है। ये केवल बोर्ड में नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, 45% आता है। आप अगर 1 करोड़ का कारोबार करेंगे, 1 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो 45 लाख रुपया वापस आएगा। आप 100 करोड़ का करेंगे तो 45 करोड़ रुपया वापस आएगा, जितना टर्नओवर उतना पैसा, राइट? तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत सारा टर्नओवर किया है, हम उन सब लोगों को आज सम्मान करने वाले हैं। फिर आपके जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। उसके बाद थोड़ी हम बात करेंगे कि आपको काम क्या करना है। करना तो है, ये समझ में आ गया, काम क्या करना है उसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे। तो पहले हम इन सब लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं, जिनको भी, जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे बीच में कुछ दीदी लोग हैं जिन्होंने सितंबर महीने में एकदम बिंदास होकर बहुत अच्छा टर्नओवर किया है, बहुत पर्सनल रिटेलिंग की है, कमीशन लेवल अचीव किया है। पैसा भी एक कंपनी जॉइन कर 9 হয় না হয় পয়সা 2000 দিছো বস্তু কিনিছো তাত আমি ভর্তি হইছো আমার এটা দা নম্বর আহিছে আমি হে আইডি বজা করি খাইছো এখানে আপনাদের না ভাই কয় বহুতে এ এনেকো বিজনেস বহুত দেখিছো কত পয়সা পায় কিন্তু এ আমি আজি প্রতি মাহৰ 6 তারিখে আমার একাউন্টত আমি যিমান পাবলগিয়া পয়সা আমার কোম্পানি দি আহিছে এখানে আপনাদের সকলো আগবাহিয়া মোৰ ইনকাম এতিয়া প্রায় 17000 আপোনালোকে সকলে লাগক কৰক সকলে যাতে সফলতা লাভ করে ইয়াকে কামনা করছো এই বস্তু আমি একেবারে বুঝা নাছিল এটা মানে কি হল মই অঙ্গনবাড়ি করো ওয়ার্কার করো মানে ভাবিছো মানে মই হেতু করব অকমান ইমান দিকে যাও কষ্ট করিম জানে নাকি এনেকুৱা দিনে এই বস্তু দেখি মই কত বিকিমগে খুব মানে ভাবু আর
এই মই এনেই জোৱানি হ'লোঁ, এই জোৱানি হ'লোঁ আইডিটো থাককচোন বাৰু, কিজানি মই ভৱিষ্যতে কৰিব পাৰিম তেনেকৈ বুলি ভাবোঁ দেই। তেনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ আৰু থাকিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল সেই তিনিমাহ মই নকৰিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল মে' মাহৰ दुकान के साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्डअप किया। बहुत टफ टाइम था, हम जाते थे लोग बोलते थे आरसीएम जा रहा है, वापस आते थे बोलते थे आरसीएम आ गया। आपको भी बोलते हैं क्या ऐसा? हाँ, ऐसे बोलता है। मेरा खास फ्रेंड मेरे को बोलता था ओ तुम पैसा कमा लो तुम्हारे से उधार ले लेगा। हम रिलेटिव को बोलता था आरसीएम करो कार आएगा, रिलेटिव बोलता अच्छा कार आएगा, वो तुम काम करो तुम्हारा कार में बैठ जाएगा। नेगेटिव करते थे, पंच मारते थे, लेकिन हम लोग उनसे रुका नहीं, हम लोग चलता गए। पहला इनकम आया था 749, दैट इज माई फर्स्ट इनकम आफ्टर 6 मंथ। ज्वाइनिंग होने के 6 महीने बाद पहला इनकम आया। वो 6 महीना कैसा निकाला होगा मैंने? 4 महीने बाद मेरा बीवी बोलता है या तो घर में आरसीएम रहेगा या मैं रहूंगा, साथ में नहीं रह सकता। क्या 24 घंटा आरसीएम आरसीएम, पैसा कुछ आता नहीं है। उधर में मेरा जहाँ से मैं रेंट से रहता था मकान वाले का, उसका रेंट ओवर हो गया, दुकान वाले का रेंट ओवर हो गया, इधर से कमीशन आ नहीं रहा। और मैं मैडम को बोलता बीवी को बोले बहुत पैसा आएगा, बोले किधर आएगा अभी तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं चलता गया, मैं रुका नहीं। लोग कुछ भी बोलते थे वो पागल हो गया, इसका स्क्रू ढीला है, इससे कोई बात नहीं करना। हम जब ऐसा अपना दुकान से घर जाता था ना, लोग ऐसा देख के अंदर चला जाता था वापस, बोले अभी इससे मिलेगा तो ये आरसीएम का बात करेगा। और जब हम निकल के जाता था तो वो वापस आके बोलता था गया क्या, फिर आके बैठता था। होता है क्योंकि दुनिया से हटके जब आप काम करोगे ना, लोग आपका मजाक बनाएंगे। जिस जिस पे ये दुनिया हंसा है उसी ने एक इतिहास रचा है, उसी ने एक इतिहास रचा है। शुरू में होगा डिफरेंट वर्क करेंगे ना, लोग आपको कमिट करेंगे। आप एग्रीकल्चर का काम कीजिए, किधर में आप प्राइवेट जॉब कीजिए, किसी होटल में आप जॉब कीजिए, किसी के घर में आप सर्वेंट का काम कीजिए, कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा। आप स्कूल में 3,000 का प्राइवेट टीचिंग कीजिए, कोई मजाक नहीं बनाएगा। आप किधर भी किसी के खेत में काम कीजिएगा, कोई मजाक, गार्डन में काम कीजिएगा, कोई मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन जब आप आरसीएम का बात करेंगे तो लोग मजाक बनाएगा, बिकॉज इट इज डिफरेंट वर्क। यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। लोग बोलते गए मेरा 1500 रुपए का, 1507 रुपए का इनकम हो गया। हमने लोगों को बोला सेकंड आ गया, अब तो ज्वाइन करो, वो बोलते ये लास्ट है, अब नहीं आएगा। हमारा 3500 का चेक हो गया, हमने बोला तीसरा आ गया, अब तो ज्वाइन करो, कंपनी ने गलती से भेज दिया। हमारा रॉयल्टी का चेक आया 49,000 इन ए मंथ, 1 महीने का। हमने दोस्तों को बोला 49,000 आया, दोस्त बोलता है यार दुर्गेश पहले तूने ढंग से नहीं समझाया, अभी ये ढंग क्या होता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। 16 साल कम निकल गए पता भी नहीं चला। अभी मैं स्टार रूपी बना, मेरा पे आउट था 7,50,000 इन ए मंथ, 1 महीने का था 7,50,000 रुपए। जैसे आपको 30,000 आया ना 1 महीने का, यदि मैं दुकान चलाता क्या 7,50,000 रुपए आते? नहीं आते। मैं इधर नहीं होता मोरंग में, अगर मैं दुकान चलाता तो इधर नहीं होता। लेकिन मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कुछ चैलेंज आएंगे। क्या चैलेंज आते हैं मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं। ये बिजनेस अप एंड डाउन होता है, सिमिलर नहीं चलता, अप एंड डाउन। आपने ईसीजी देखा? ईसीजी रिपोर्ट देखा किसी ने? कैसा होता है? कैसा होता है? अप डाउन होता है। ऐसा होता है? अगर किसी का ऐसा ईसीजी है इसमें मतलब डेड, यस और नो? प्लेन ईसीजी अगर किसी का आ गया इसका मतलब खत्म, क्लास डेड। लेकिन अगर ऐसा ईसीजी है मतलब अगर आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है इसका मतलब खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है अप एंड डाउन इसका मतलब आप एक्टिव हो। तो ये बढ़ेगा तब आप बहुत खुश होंगे,
लेकिन जब ये घटेगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ पे आप सीखेंगे। ये सीखने का पॉइंट है। डाउन क्यों हुआ, ट्रेस चेक कीजिए, और चेक करने के बाद क्या कमी रह गया उसको चेंज कीजिए, उसको सुधार कीजिए, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर चेक कीजिए। जब जब बिजनेस घटेगा आप चेक करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। ये होगा इस बिजनेस में। आपको चार काम करने हैं इस बिजनेस को करने के लिए, वो चारों काम आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। पहला, जो लोगों ने अभी आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक दीजिए लगे लगे, और जो भी 2,000, 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट परचेज कीजिए और अपने काम को स्टार्ट कीजिए। दैट इज फर्स्ट थिंग, पहला काम। सेकेंड, यू प्रोडक्ट यूज कीजिए 100%, नॉट 99%। 99% यूज करके भी बिजनेस होने वाला नहीं है, 100%। मेरा जो शूज है वो आरसीएम है, मेरा जो सॉक्स है वो आरसीएम है, ये जो पेंट है ये आरसीएम है, ये जो कोट है ये आरसीएम है, शर्ट आरसीएम है, टाई आरसीएम है, बनियान आरसीएम है, बेल्ट आरसीएम है, पर्स आरसीएम है, हैंडकरचीफ आरसीएम है, पर्स में जो पैसा वो भी आरसीएम ही है। और पिछले 16 साल में बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आया है वो भी आरसीएम की वजह से आया है, क्योंकि मैं 100% यूजर हूं। अब पाल सर तो मेरा घर में गया है, बीवी का कपड़ा आरसीएम, बच्चों का कपड़ा आरसीएम, बेडशीट आरसीएम, अब बाथरूम में जाएंगे आपको शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, बॉडी लोशन, फेस वॉश, एवरीथिंग एवरीथिंग इज आरसीएम, फैन आरसीएम, रसोई में जाएंगे आटा आरसीएम, तेल ऑयल आरसीएम, नमक आरसीएम, हल्दी मिर्ची धने, जिधर देखेंगे उधर आरसीएम। कोई नया आदमी आता तो घर में आके पागल हो जाता, बाप रे, जिधर देखो आरसीएम आरसीएम। इसलिए अकाउंट में जो पैसा वो भी आरसीएम। आप लोग अगर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप बाहर मार्केट का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आरसीएम आपको पैसा देने वाला नहीं है। आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको कंपनी पैसा देने वाला है। आप यदि छांट छांट के प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो कंपनी को आना इस मीटिंग से, जूम मीटिंग, हर मंगलवार को शाम को 7 बजे में जूम मीटिंग पे आता हूं। आप अपना मोबाइल ऐप पे जूम डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाके, आपको आईडी पासवर्ड आपका अपलाइन देगा, आप शाम को 7 बजे मेरे से टेली हो सकते हैं लाइव एक दूसरे से, आप कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। जूम मीटिंग, मोर लर्न मोर अर्न, नो लर्न नो अर्न, जितना सीखेंगे उतना पैसा आएगा। सीखना पड़ेगा, क्या सीखना है, कैसा बात करना है, कैसा प्लान दिखाना है, राइस ब्रान ऑयल क्यों यूज करना है, न्यूट्रीचार्ज मेन क्यों यूज करना है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों यूज करना है, वाई क्यों यूज करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, बुक्स, गूगल, सीखने के लिए बहुत कुछ है। देन लास्ट, ई फॉर अर्न एंड एंजॉय, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, यू फॉर प्रोडक्ट यूज, एल फॉर लर्न, ई फॉर अर्न, अर्न एंड एंजॉय। दैट इज क्लॉक वाइज वर्क, क्लॉक वाइज, यू नो क्लॉक वाइज, घड़ी का सुई जैसा घूमता है, ये क्लॉक वाइज है। आर फॉर यूज, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, जो लोग नहीं जुड़ा है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, यू फॉर यूज, एल फॉर लर्न एंड ई फॉर अर्न। बहुत सारा लोग बड़ा माइंड वाला होता है, वो क्या ज्वाइन करने के बाद डायरेक्ट बोलता है मेरा वो पैसा कितना आएगा, रिवर्स, दैट इज रॉन्ग। सही क्या है, ऐसा पहले यूज करेंगे, लर्न करेंगे, तब अर्न करेंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंपनी से कोई चैलेंज है, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका जो मोबाइल ऐप है उसमें ऑप्शन लिखा हुआ कॉन्टेक्ट अस, उस पर आप जाइए, अपना जो भी प्रॉब्लम है कंपनी को कॉन्टेक्ट